मैंने आरसीएम बिजनेस को जब शुरू किया था उस समय मैं अनमैरिड था, शादी नहीं हुई थी, और मेरा ड्रीम था कि शादी करूंगा जब 1,00,000 रुपए महीना कमाने लग जाऊंगा। आरसीएम से वो ड्रीम पूरा हुआ, 1,00,000 रुपए महीने से ऊपर की इनकम शुरू हुई। उसके बाद मैंने शादी की, 1,27,000 रुपए का चेक था एक महीने का, उस समय मेरी शादी थी। और शादी के बाद में बिजनेस और कई गुना ज्यादा स्पीड से बढ़ा, बहुत सारा पैसा आया, बहुत सारे सपने पूरे हुए, और वो बहुत सारी चीज मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आज की मीटिंग के लिए, आज के एक मैसेज के लिए माइक्रोफोन जो हैंडओवर करने जा रहा हूं, मेरी धर्मपत्नी जिनका सपोर्ट हमेशा रहता है, आरसीएम बिजनेस का जब भी नाम आता है तो बाकी सारी चीजें ये पीछे कर देती हैं, तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ में माइक्रोफोन हैंडओवर। जोश है फरीदाबाद में? यस। कितना जोश है? देखिए ये आरसीएम बिजनेस है ना, आज अगर आपने आज की मीटिंग ध्यान से सुन ली और आपने दिमाग में डाल ली और आपको अपनी लाइफ में अगर कुछ करना है तो आज ये 1 घंटा जो भी सर बोले, 1 घंटा 1.5 घंटा जितनी देर भी बोले ध्यान से सुनना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं आपसे अपनी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी। जब मेरी शादी हुई ना, मैं 20 साल की थी, मेरा 20वां बर्थडे राकेश जी के घर में आके ही मना था, और आज मेरी शादी को 19 साल हो गए हैं, और वो 20 साल की लाइफ और 19 साल की लाइफ बिल्कुल अलग है। अलग कैसे है? जब हमारी शादी, मतलब मेरे पापा जब राकेश जी को देखने आए थे तो मैं आरसीएम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी मतलब कोई नॉलेज ही नहीं थी आरसीएम क्या होता है, क्या काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता था। पर पापा को राकेश जी इतने पसंद आ गए थे कि वो मना ही नहीं कर पाए। पापा को नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या काम करते हैं, बस वो उनको ये था कि लड़का बड़ा सुंदर है। पापा आए घर में, उन्होंने बताया कि लड़का बड़ा सुंदर है, मेरे को लड़का ही पसंद आया, बाकी तो पता नहीं। क्योंकि जब हमारी शादी की डेट फिक्स हुई थी तब ये मेरे ख्याल से 1.25 लाख की इनकम इनकी स्टार्ट हो चुकी थी, कामयाब की दौर पे चढ़ चुके थे। पर वो होता है ना, एक फादर को अपनी बेटी के भविष्य का थोड़ा सा वो होता है। जो हमारा बिचौलिया था ना, वो कह रहा था कि मतलब वो इनके गाँव से ही था, और उनको उन्होंने बोला कि लड़का अच्छा है, फैमिली अच्छी है, जमीन जायदाद सब कुछ है, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। पापा कह रहे मेरे को लड़का देख के टेंशन खत्म हो गई है। और एक बात और मैं बता रही हूँ, राकेश जी और मैंने शादी से पहले एक दूसरे को कभी नहीं देखा। हम पहली बार जयमाला के टाइम पे ही मिले और हमने तभी एक दूसरे को देखा। ऐसा नहीं था कि मेरे पापा भी एक बिजनेसमैन थे, मैं एक अच्छी खासी फैमिली से थी, लेकिन जो मेरे पापा का बिजनेस था ना, वो बड़ा टेंशन वाला बिजनेस था। मेरे पापा फ्रूट सप्लायर थे, हमारे बहुत सारी मंडियों में ट्रक के ट्रक फ्रूट के आते थे, और कभी आंधी तूफान या बारिश होती थी तो मेरे पापा का काफी नुकसान हो जाता था, और वो पूरे घर में टेंशन का माहौल बना देते थे। क्योंकि जब घर का मुखिया अगर टेंशन में होता है ना, तो घर के सारे मेंबर ही टेंशन में, मेरी मम्मी टेंशन में, मैं टेंशन में, पापा बोलते थे इतना नुकसान हो गया इस बार, ये हो गया वो हो गया। और 20 साल में इतना अच्छा खासा उन्होंने पैसा कमाया था, लेकिन फैमिली को कभी टाइम नहीं दे पाए। और आरसीएम में ये 19 साल की लाइफ में मैंने वो सब कुछ मिला मेरे को। मैं हर जगह घूमी जबकि पापा ने कभी नहीं घुमाया। ऐसा नहीं कि वो घुमाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता था। वो 3-3 महीने 4-4 महीने एक एक सीजन पे जाते थे, कभी मैंगो का सीजन है, कभी बनाना का सीजन है। और आरसीएम में जब मैं शादी करके घर पे आई इनके, तो हमारे हरियाणा में ना लड़की को एक किट बना के देते हैं, कुछ लोग जानते होंगे शायद, मेकअप किट। और मेरे मम्मी पापा ने भी वो किट दी थी। उसका मतलब होता है कि लड़की जब ससुराल में जाए ना, तो जाते ही कुछ मांगे ना ससुराल वालों से। तो मेरे मम्मी पापा ने भी एक किट दी, लेकिन वो किट मेरी जैसे ही आज रात की हमारी शादी थी, अगले दिन वो होती है ना सिरगुंदी, वो किट मेरी फेंक दी गई।
मेरे को गुस्सा भी बहुत आया क्यों मेरा मम्मी पापा ने जो सामान दिया आप लोगों ने क्यों फेंक दिया। तो राकेश सर ने यही बोला था कि आज के बाद जो भी यूज करना है वो आरसीएम का ही करना है। मैं बहुत सालों से आयुष शैम्पू यूज कर रही थी, मेरे को आदत नहीं थी आरसीएम के शैम्पू यूज करने की। फिर राकेश सर ने बोला चाहे अब तेरे बाल इतने से रह जाए तो गंजी हो जाए पर तेरे को शैम्पू आरसीएम का ही यूज करना है। मैंने कहा ठीक है यूज करती हूँ, पर आरसीएम के इतने अच्छे प्रोडक्ट है, इतने अच्छे प्रोडक्ट है, मेरे को दोबारा कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं ये यूज नहीं करूंगी। आज मेरे घर में 100% प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं और करने भी चाहिए, इतने शुद्ध और इतने अच्छे प्रोडक्ट है जो हमें मार्केट में कभी नहीं मिल सकते। आरसीएम बिजनेस में देखो काम करने एक अलग बात है, पैसा धन दौलत शोहरत प्रॉपर्टी सब कुछ कमाना अलग बात है, आरसीएम में जो प्यार मिलता है ना वो आपको किसी फील्ड में नहीं मिलेगा। इन 19 सालों में ना मैंने आरसीएम को जिया है, ऐसा नहीं है कि मैंने काम नहीं किया आरसीएम में, मैंने काम किया, मैंने पर्दे के पीछे काम किया है। और वो पर्दे के पीछे क्या काम था, हमारे जींद में दो घर थे, एक घर में राकेश सर ने ऑफिस बना रखा था और एक में हम रहते थे। हरियाणा पंजाब आसपास के जो भी लोग थे ना वो मिलने आते थे, 15 लोग 20 लोग, हमेशा मेरे घर में चाय का पतीला उतरता ही नहीं था मतलब ये ऑफिस से सीधा ऑर्डर देते थे कि 20 कप चाय बना दे, वो बना के मैं वो पहुंचाती थी आधे घंटे में, फिर 15 कप और बना दे। गुस्सा भी आता था, ऐसा नहीं कि नहीं आता था गुस्सा, बहुत गुस्सा आता था कि मैं क्या यहाँ चाय बनाने वाली लगी हुई हूँ। कई बार इनसे जीत बहस भी होती थी, हम खाना नहीं खा पाते थे, एक के बाद एक टीम आती रहती थी, बहुत लोग मिलने आते थे। मैंने शुरू किया 5 साल, मैंने देखा राकेश सर 29 दिन फील्ड में रहते थे, शादी के बाद से मतलब पहले से भी ये बहुत ज्यादा फील्ड में रहते थे। मेरे पापा ने भी ये बात बोला था, बेटा लड़का आता है मैले कपड़ों का बैग रखता है और वो साफ कपड़ों का उठा के ले जाता है वो पता नहीं 29 दिन बाद रहता है, आप बताओ। मैंने बोला कि पापा जो आपने फाइनल कर दिया ठीक है। आरसीएम में ना वो सब कुछ दिया है, सारे सपने पूरे किए हैं, मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा मेरा 17 साल का अभी 12th में है, एक 3rd में है, बहुत कुछ मिला है इस बिजनेस से, बहुत अच्छे स्कूल में वो पढ़ रहे हैं, आज वो मुंह से कुछ निकालते हैं ना हमें दिलाते हुए कुछ होनी, आज मार्केट निकलते हैं 50,000 की गड्डी भी लेके निकलते हैं ना, अगर वो भी पता नहीं चलता कैसे खर्च हो गई, ये ड्यू टू आरसीएम। शायद आरसीएम में अगर नहीं होते ना तो आज एक आम जिंदगी जी रहे होते। और बस इतना ही कहना चाहूंगी कि 5 साल की मेहनत है ना आपकी लाइफस्टाइल चेंज कर देगी इस बिजनेस में, दिल जान और मेहनत से इस बिजनेस में काम करिए, जैसे जैसे आपके अपलाइन बोले वैसे वैसे करते जाइए, आरसीएम आपकी लाइफ चेंज कर देगा। आज बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, बहुत सुंदर घर में मैं रह रही हूँ, उस घर में स्विमिंग पर्सनल स्विमिंग पूल लिफ्ट होम थिएटर सब कुछ है। और अभी थोड़े दिन पहले मैंने राकेश सर को बोला, एक हमारे पास ही ना बहुत अच्छी सोसाइटी बन रही है, उसका फ्लैट छोटा है पर वो बहुत सुंदर है, मैंने राकेश सर को बोला यार इसमें भी ले लो ना एक घर तो कह रहे इतने बड़े घर में रह रही है और घर क्यों चाहिए यार, कितनी अच्छी सोसाइटी है, छोटा है घर कोई बात नहीं ले लो। तो राकेश सर ने मेरे बर्थडे पे वो घर मेरे को गिफ्ट दिया, इस बिजनेस से 5-5 गाड़ियां खरीदी और पिछले जनवरी को हमने अपने छोटे बेटे के बर्थडे पे हम मर्सिडीज गाड़ी लेके आए। कहने का मतलब ये मैं ये नहीं बता रही आपको कि मेरे पास ये है हमारे पास ये है, मैं ये कह रही हूँ कि मेहनत 5 साल की और लाइफ आपकी जिंदगी भर की आरसीएम से चेंज हो सकती है। थैंक यू सो मच।